गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पार्ट 21 हलीम चला चांद पर पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा है जो चांद पर जाना चाहता है। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊँगा। उसने एक दिन सोच लिया, किसने? हलीम ने, कि वो चांद पर आज जाएगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। क्या हुआ? वो एक रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट में बैठकर चल दिया। कहाँ पर? चांद पर। चलते चलते अंधेरा हो गया था। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता भी नहीं था। क्या हो गया? चलते चलते रात होने लगी, अंधेरा होने लगा और उसे डर लग रहा था क्योंकि उसे चांद का रास्ता नहीं पता था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। थोड़ी देर में वह चांद तक पहुंच गया था, इसलिए वह खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं थे। मतलब चांद पर पहुँचने के बाद क्या हुआ? उसने देखा कि चांद पे गड्ढे हैं, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे और जानवर तो एक भी नहीं है। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चले। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। हलीम ने सोचा कि ये क्या कोई स्थान है जहाँ पर ना तो पेड़ है, ना जानवर है, ना पहाड़, ना कोई लोग हैं, ऐसे जगह में कैसे रह सकते हैं। इसलिए हलीम वापस रॉकेट में बैठकर घर लौट आया।